मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं और सीएम अशोक गहलोत आज करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। कल जोधपुर में परिवार के साथ सीएम अशोक गहलोत मतदान करेंगे। सीएम गहलोत ने अधिक से अधिक मतदान की अपील की है। राजस्थान में कांग्रेस में माहौल, सीएम अशोक गहलोत ने कहा दिल्ली के नेता खाली भड़काने के लिए आए, हमारी स्कीम योजनाओं पर चर्चा नहीं करते हैं, मुझे यकीन है कि हम कामयाब होंगे, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन ही प्रत्याशी या कोई भी नेता हो आप कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जो है जो पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थन में थे, अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद का आश्चर्य हो रहा है। हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूँ, तो क्या तो बात करेंगे इनसे। वो जाके देखते हैं पूरा गांव ही बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है, स्कीमों से कामों से, तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर का लाया रात को तो मेरे कंट्रोल रूम में मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडर करंट की बात हो रही है। अंडर करंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे जो लगता है जीत नहीं रहे हैं। अंडर करंट चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी। अधिक से अधिक लोग मतदान करें, मतदान करना उनका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। हम भी अपील करेंगे, ये भी अपील करेंगे कि हमने कुछ काम किया है राजस्थान में, तो जो ये दिल्ली के नेता आए हैं भड़काने के लिए, इन्होंने कोई हमारी स्कीमों की आलोचना नहीं करी, चर्चा ही नहीं करी, जबकि हमारी कानून, हमारी स्कीमें, हमारी गारंटी हैं, उस पर बहस हो सकती थी, तो उस पर कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इसका मतलब है कि ये खाली भड़काने के लिए आए हैं। और मैंने कल भी कहा था कि मोदी जी को तो जो भाषा बोले थे मेरे बारे में गुजरात के अंदर, ये कि मारवाड़ी आया हुआ है, वो मतलब चुनाव जीतना चाहता है कांग्रेस के लिए, तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वो मतलब भावना भड़का करके गुजरातियों की, या कहना चाहिए कि भावुक होकर के वो वोट ले गए, चुनाव जीत गए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि गुजराती आगे घूम रहे हैं, दो गुजराती घूम रहे हैं, और मैं राजस्थानी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो राजस्थानवासी के पास जाऊँगा, मैं तो सासू दूर नहीं कह चुका हूँ, तो मेरे लिए तो राजस्थानवासी हैं, तो राजस्थानवासी जो है उनको मैं कहूँगा मैं कहाँ जाऊँगा। तो मुझे वो जीता है जैसे गुजरात में मोदी को जिताया, मैं तो यही कहूँगा। और काम उन्होंने इतने अच्छे किए हैं कि सरकार रिपीट होनी चाहिए, ये भावना घर घर में पहुँच चुकी है। और मुझे यकीन है कि इस बार अंडर करंट चल रहा है और हम लोग कामयाब होंगे, सरकार रिपीट होगी। और इस खबर पर सीएम अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे को लेकर हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, आज सीएम जोधपुर में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे, आप इसके साथ ही कल पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए जाएंगे। दिनेश, प्रचार प्रसार का दौर तो खत्म हो गया लेकिन आज भी खूब जमकर प्रहार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के माध्यम से किया केंद्र सरकार पर, पीएम मोदी पर। देखिए, पब्लिक मीटिंग, रैली और रोड शो करने से उस पर ब्रेक लग चुके हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकता है अपने 5 समर्थकों के साथ। तो आज जोधपुर शहर में सीएम अशोक गहलोत डोर टू डोर यहां पर जाएंगे। तो गुजरात में भी उन्होंने इसी तर्ज पर प्रचार किया था, पंपलेट उन्होंने लगाया था और एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और अन्य नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं गुजरात में जब गया था, कांग्रेस पार्टी की 78 सीटें आई थी, तो नरेंद्र मोदी ने वहां कैंपेन में कहा था कि एक मारवाड़ी आपके बीच वोट मांगने आया और मैं तो आपका गुजराती हूँ, लेकिन मैंने इस तरह राजस्थान के चुनावी रण की बात नहीं की, मैं तो राजस्थान हूँ, एक गुजराती यहाँ पर वोट मांगने आया हूँ। लोगों का भड़काने का काम करेंगे, तरह तरह झंडे चलाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का राजस्थान में माहौल है, हम 7 गारंटी और जो अन्य चलाई उसके आधार पर यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, यानी मतदान से पहले भी आरोप प्रत्यारोप का दो यहाँ पर जारी है सोशल मीडिया के जरिए, धनबाजी के जरिए। जी बिल्कुल दिनेश, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार जरूर प्रत्याशी कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत दिनेश जिस तरीके से पूरे मारवाड़ अंचल में
जो प्रचार प्रसार सीएम ने किया, कोशिश पूरी रही कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त मारवाड़ अंचल में दिला पाएं, लेकिन अभी फिलहाल जो आज का दिन है और कल तो देखिए मतदान का दिन है, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है मुख्यमंत्री के स्केड्यूल के हिसाब से आप जो देख पा रहे हो? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने शहर में अपने गृह जिले के दौरे पर रहेंगे और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि शहर की, जैसे जोधपुर शहर है, सूरसागर है, खुद की सरदारपुरा है और अन्य जो शहर से लगती सीमाएं हैं विधानसभा क्षेत्र की, वहां पर अच्छा परफॉर्म करे ताकि कहते जाए कि हाँ, मेरे गृह जिले में मेरे संभाग मारवाड़ कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उसी रणनीति के तहत डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, फोन के जरिए लगातार वो संपर्क में है, वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह बूथ मैनेजमेंट किया जाता है। देर रात उन्होंने जो मंडल और बूथ अध्यक्ष है जो बूथों पर मतदाताओं को खींच कर लाएंगे, उनसे वोट लगवाएंगे, उनकी हौसला अफजाई की, व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे बातचीत की, लगातार संपर्क में है। रात को 1:30 से 2 बजे यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोते हैं और सुबह फिर यहाँ पर काम शुरू कर देते हैं। जानकारियों के लिए तो सीएम अशोक गहलोत अधिक से अधिक मतदान की अपील करते हुए नजर आए। साथ ही साथ आज एक बार फिर जब जोधपुर के लिए रवाना हो रहे थे उस दौरान जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर।